वेलकम फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी का सफर। एक बार एक गुरु शिष्य कहीं टहलते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सड़क के किनारे एक जोड़ी पुराने जूते रखे मिले। इन्होंने उधर उधर देखा तो थोड़ी दूर पर एक किसान खेतों में काम कर रहा था। वे जूते उसी के थे। ये देखकर शिष्य को शरारत सूझी। उसने कहा, गुरु जी, क्यों ना हम ये जूते ही कहीं छुपा दें, फिर जब किसान यहाँ आएगा तो बड़ा मजा आएगा। गुरुजी ने कहा, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं होती है, बल्कि जूते छुपाने के बजाय हम दोनों जूतों में एक एक चांदी के सिक्के डाल देते हैं, फिर पास की झाड़ियों में छुपकर देखते हैं कि क्या होता है। जूतों में सिक्के डालकर दोनों झाड़ियों में छिप गए। थोड़ी देर बाद किसान वहाँ आया। जैसे ही उसने एक जूते में पैर डाला, उसे जूते में कुछ होने का एहसास हुआ। उसने देखा तो चांदी का एक सिक्का जूते में था। किसान ने आश्चर्य से इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सिक्का जेब में रख लिया। फिर उसने दूसरे जूते में पैर डाला, उसमें भी एक सिक्का निकला। किसान भावुक हो उठा। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर ईश्वर से कहा, हे भगवान, तू बड़ा दयालु है, आज मेरी बीमार पत्नी की दवा और बच्चों के खाने का इंतजाम तूने कर दिया। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया, तू सबका ख्याल रखता है। यह कहकर अपने आंसू पोंछता हुआ किसान घर चला गया। यह नज़ारा देखकर गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, अब बताओ, इसमें ज़्यादा आनंद आया या तुम्हारे जूते छुपाने में ज़्यादा मज़ा आता? शिष्य ने जवाब दिया, आज आपने मुझे जीवन की सच्ची सीख दी है, जो आनंद देने में है वह किसी और चीज़ में नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी ज़रूरतमंद को कुछ दे देने या उसकी मदद करने से बढ़कर कोई और पुण्य कार्य नहीं है। इसलिए हमें हमेशा ज़रूरतमंदों लोगों की हमेशा मदद करनी ही चाहिए।